नेबरिंग कंट्री की खुफिया एजेंसी के इशारे पे लखबीर लंडे जो टेररिस्ट कनाडा बैठा है वो इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था। दो जुवेनाइल्स भी हमने गिरफ्तार किए। सो इस केस में टोटल 7 गिरफ्तारियां हुई और ये एक बहुत बड़ी साजिश हमने बेनकाब करी है, पर्दाफाश किया। पंजाब पुलिस ने तरन तारण दे विच हुए RPG हमले दे केस नूं सुलझाउण दा दावा कीता है। DGP गौरव यादव ने इस बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिती है। इस दौरान उन्होंने मास्टरमाइंड दे खुलासे दे नाल नाल कुछ लोकां दी गिरफ्तारी बारे दस्या है। बीती 9 दिसंबर नूं पंजाब दे सरहदी इलाके तरन तारण दे सरहाली दे विच पुलिस थाने ते हमला होया सी। पंजाब पुलिस मुखी ने इस नूं RPG तरीके नाल कीता गया हमला दस्या सी। तरन तारण में सरहाली पुलिस स्टेशन पर जो RPG अटैक हुआ था वो पंजाब पुलिस ने इसे सॉल्व कर लिया है। टोटल 7 मुलजिम अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, 6 गिरफ्तार बाहर से हुए हैं, 1 जेल से प्रोडक्शन वारंट पे ले आया गया है। इन्वेस्टिगेशन तो पता लगा है कि हमारे नेबरिंग कंट्री की खुफिया एजेंसी के इशारे पे लखबीर लंडे जो टेररिस्ट कनाडा बैठा है वो इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था, जिसने यूरोप बैठे अपने साथियों के साथ जो सत्ता और गुरुदेव जस्सल के थ्रू एक टेररिस्ट मॉड्यूल यहाँ पे रेस किया, उसको अजमीत के थ्रू जो जेल में है अजमीत सिंह के थ्रू कोऑर्डिनेट करवाया और ये अटैक एग्जीक्यूट किया। ये सारे ही ये जो मॉड्यूल मेंबर्स थे ये एक दूसरे से परिचित नहीं थे, इन्हें अलग अलग लोगों ने हैंडल किया और अलग अलग जगह से इकट्ठा किया। पार्ट ऑफ द जॉब इन्हें बताया गया कि आपने ये सामान प्लेस एक्स से प्लेस वाई लेके जाना है और आपका रोल ख़त्म है। उसके बाद अगले को अगला रोल दिया गया सो दैट अगर कोई गिरफ्तार भी हो जाए तो पुलिस उससे आगे ना पहुंच सके। तो ये हमने सिस्टमेटिक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से CCTV फुटेज की स्टडी करके टेक्निकल इनपुट से और उसको जो ह्यूमन इनपुट्स हमें कोरोबरेट हुए ये हमने गिरफ्तारियां करी हैं। इस केस में जो गिरफ्तार हुए हैं गुरप्रीत सिंह एलियास गोपी नंबरदार विलेज नौशेरा के, गुरलाल सिंह गैला ये चोला साहब विलेज का है, गुरलाल सिंह लाली ठठिया महंता विलेज का है और जौबनप्रीत सिंह एलियास चौबन ये नौशेरा पंडवा का है। अजमीत सिंह जो नौशेरा पंडवा का जेल में है इस वक्त प्रोडक्शन वारंट पे हमारे पास है और 2 जुवेनाइल्स भी हमने गिरफ्तार किए। सो इस केस में टोटल 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और ये एक बहुत बड़ी साजिश हमने बेनकाब करी है, पर्दाफाश किया है। ये काउंटर इंटेलिजेंस विंग और तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कामयाबी हासिल हुई है पंजाब पुलिस को। टोटल जी रिकवरी होते मौके पर जरा RPG लॉन्चर की रिकवरी हो गई थी, 31 बोर पिस्टल विद 15 लाइव कार्ट्रिजेस रिकवर्ड फ्रॉम गुरलाल सिंह गैला, हैंड ग्रेनेड P86 रिकवर्ड फ्रॉम गुरप्रीत सिंह एलियास गोपी नंबरदार, 30 बोर पिस्टल ते 35 लाइव कार्ट्रिजेस रिकवर्ड फ्रॉम जौबनप्रीत सिंह जौबन एंड गुरलाल लाली, 32 बोर पिस्टल ते 15 लाइव बुलेट्स रिकवर्ड फ्रॉम द 2 जुवेनाइल्स। सो देयर इज अ मनी ट्रेल, आई थिंक अ सम ऑफ आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर चौहान टू एलाबोरेट, आई थिंक 8 लाख के करीब डिलीवर हुए। हां जी 8.5 लाख No, complete. The entire group. There is no physical training. कोई training camp नहीं सीखा, but इन्हां नूं instructional video देते, video call ते briefing इन्हां दी हुई। ऐ basically लंडा जड़ा हैगा हरिके तो हैगा, सत्ता हैगा नौशेरा पनवा तो। सो इन्हां ने अपनी belt दे विच, अपने area दे विच, अपने local contacts वरत के एक नवा group खड़ा, module कह लो जी खड़ा करता। इनएक्सपीरियंस पीपल कटआउट्स एक दूजे को जानते भी नहीं सके, इन्होंने इकट्ठा करता किसी होर सब मॉड्यूल के थ्रू इन्होंने को समान भेजता, इन्होंने इंस्ट्रक्शन जमें बड़ी इंपॉर्टेंट गल रविंदर जी कहते भी इन्हों की ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी तो अनट्रेनड का इनफैक्ट इन वन इंटरसैप्शन इट केम की जी वो एम प्रॉपर लेना सी तो इतने इस तरह की गल भी आई। DGP यादव ने दसिया कि इस मसले दे विच पुलिस दे वलों 7 मुलजमान नूं गिरफ्तार किया गया है, इस तो इलावा 2 होर मुलजमान नूं पुलिस दे वलों राउंडअप किया गया है जो कि फरार ने जिन्हां दा नाम दसन तो DGP ने इनकार कर दिता है। तरन तारण तो ब्यूरो रिपोर्ट NC7 न्यूज़।